हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी ये दोपहर का समय है, 12:30 या फिर 1 बजे का टाइम है। संडे का दिन है, हालांकि सुबह वाला काम सब कंप्लीट है। यहाँ का बेडशीट मैंने निकाला था तो दूसरा वाला डाला नहीं है, क्योंकि पीयूष लक्की यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे थे तो अभी दोनों उठ के चले गए हैं। आजकल पीयूष लक्की का सुबह सुबह एक बार हो जाता है, फिर शाम में होता है। दोपहर में थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए चले जाते हैं, जैसे अभी खेलने के लिए गए हुए हैं। संडे का दिन है इसीलिए इसी समय चले गए हैं, नहीं तो फिर शाम में जाना होता है। तो मैं यहाँ का बेडशीट चेंज कर दूँगी, क्योंकि बहुत दिन से मैंने यहाँ का बेडशीट निकाला नहीं था, तो आज मैंने निकाल दिया है। दूसरा वाला यहाँ डाल दूँगी। निकाल तो सुबह ही दिया था, पर डाला दूसरा नहीं था। अभी डाल दूँगी तो फिर साफ साफ रहेगा शाम तक, क्योंकि उस लकी अभी गए हैं तो कम से कम 1-1.5 घंटा बाद ही आएँगे। जब तक बच्चे घर में नहीं रहते तब तक घर साफ साफ रहता है, बच्चे जब आ जाते हैं तब एक जैसा हो जाता है साफ़ किया हुआ। अभी खिड़की को मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि हवा चलता है तो फिर गंदा आता है, धूल उड़ता है। सुबह सुबह के लिए मैं खोल देती हूँ, फिर कभी शाम में कभी दोपहर में फिर से बंद कर देती हूँ। थोड़ी देर के लिए खोलती हूँ, सुबह से लेकर दोपहर तक खुला रहता है, धूप रहता है तो और ज़्यादा देर तक रहता है। अभी मैंने दाल चढ़ाया था तो मतलब कि कुकर का सीटी ऊपर चढ़ जाता तो पूरा पानी पानी सब जगह हो जाता है, सब जगह पूरा पीला पीला दाग हो जाता है। तो वाइट कलर है तो बहुत जल्दी दाग होता भी है, इसीलिए मैं तुरंत पोंछ दूँगी। सब जगह पानी पानी हो गया है, कुकर में से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, या तो सीटी भरता नहीं है, भरता तो खूब सारा पानी निकल जाता है, जैसे सीटी ऊपर चढ़ जाता है फिर आके नीचे उतारती हूँ तभी होता है। जितना देर में मैं आई हूँ सब जगह पानी पानी पूरा हो गया है। दाल भी लगभग मेरा बन ही चुका है इसलिए मैंने उतार भी दिया है, सब्ज़ी भी बन चुका है, अभी केवल चावल बनाना है तो चावल चढ़ा दूँगी। टाइम बताऊँ तो यही 1:30 बज रहा है, क्या सब काम तो इस समय तक कंप्लीट है, केवल ये चावल बनाना है। तो जानबूझ के मैं लेट कर भी देती हूँ, क्योंकि अभी तो कोई खाएगा नहीं, जो भी खाएगा 3 बजे के बाद ही खाएगा। मेरे यहाँ का यही रहता है, सबका आदत हो गया है, दोपहर में खाने खाने का मन किसी का नहीं करता है, शाम में 3-4 बजे के बाद ही सबको भूख लगता है, तो सब उसी समय खाते हैं, इसलिए मैं चावल लेट से बनाती भी हूँ। हालांकि आज तो फिर भी जल्दी बन गया है, दाल चावल बन दाल और सब्ज़ी बन गया है और चावल अभी मैं बना रही हूँ। संडे का दिन है, फिर भी एक होता ना स्पेशल कुछ बनाऊँ, मेरा मन नहीं करता है, तो मैंने साधारण सा चावल दाल बनाया है।
चावल दाल आलू का सूखा सब्जी जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कुछ नहीं समझ में आया तो ये बनाऊँ, सब कोई खुश होकर खा भी लेते हैं, सबका फेवरेट है, सबको पसंद आता है, मेरे यहाँ तो सबको पसंद आ जाता है, ऐसा एक यही सब्जी है जो सब कोई खा लेते हैं। और चावल दाल तो वैसे दिन में बनना ज़रूरी है, कल नहीं बना था तो आज मैंने बनाना फिर ज़रूरी हो जाता है, एक दिन बीच में गैप होता है तो दूसरे दिन तो फिर बनाना ज़रूरी हो जाता है, कोई भी चीज़ का एक आदत हो जाता है। जैसे मेरे यहाँ मायके में चावल कोई नहीं खाता है, एक त्यौहार बार में बनने वाला सामान होता है, और यहाँ रोज़ चावल दिन में खाना ज़रूरी है। मेरे यहाँ पीयूष लक्की और उसके पापा को तो इतना ज़्यादा आदत तो मेरा भी है, पर मेरा तो कोई नहीं, नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उनको तो सुबह मतलब कि दोपहर में चावल दाल चाहिए। मेरे यहाँ गाँव में कोई नहीं खाता, राजस्थान साइड में चावल बहुत कम खाया जाता है, जैसे जब भी कभी बनता है तो नमकीन जैसे पुलाव जैसे बन गया वैसे बनता है, साधारण चावल दाल तो कोई नहीं खाता है। यहाँ है चावल दाल सब्जी मिक्स करके खाते हैं, उसके बाद दही हुआ, अचार हुआ, पापड़ हुआ, वो अलग से रहता ही है। खाना बनाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि सब काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी सोना मुझे है नहीं, तो चूड़ी चेंज करना था, क्योंकि कल मैं वहाँ गई थी आंटी जी के मायके, तो वहाँ मैं जो घर में चूड़ी मैंने पहना हुआ था वही पहन के भूल से पहन के वही चली गई, वो थोड़ा सा बहुत दिन हो गए पहने हुए तो उसका कलर जैसे एक फीका फीका कलर हो जाता है वैसा हो गया है, तो मुझे अपने आप में अजीब लग रहा था, तो आज मुझे याद आ गया कि मुझे चूड़ी चेंज करना है। जब कोई काम नहीं रहता है तब ये काम करती हूँ मैं, सुबह सुबह मुझसे ये सब नहीं होता है, अभी कोई काम नहीं है तब मैं ये अपना ये लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे ये सब रखना अच्छा लगता है, पर एक होता है ना अपना शौक रहता है, सामान इकट्ठा करके रखो वही मेरा भी शौक है, तो यहाँ मैं चूड़ी चेंज करूँगी फिर अपना लेके बैठी हूँ, क्या है क्या नहीं है देखूँगी बैठ के, लेकिन अच्छा लगता है। अब मैं अभी फ़ोन में भी बात कर रही हूँ, अपना ये काम भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ तो उसको बता भी रही थी यही वाला बात कि कल मैं वहाँ गई थी तो चूड़ी चेंज करना भूल गई थी, क्योंकि मेरा आदत नहीं है, एक दिन भर में जो पहनती हूँ वही पहने रखती हूँ, बार बार चेंज करने का मेरा आदत नहीं। मैं जब भी पहनती हूँ ला का चूड़ी पहनती हूँ, एक कांच का जो चूड़ी होता है वो बहुत कम पहनती हूँ, मेरे पास रहता भी कम है, मैं ख़रीदती भी बहुत कम हूँ, जो मिलता है वही रखती हूँ, एक होता है कांच का चूड़ी ख़रीद के पहनो तो वो मैं कभी नहीं पहनती हूँ, जो भी ला का चूड़ी है या तो फिर मेरी दुकान का है जो, या फिर मैं गाँव से जो लेके आती हूँ वो है, ऐसे मुझे आजकल तो यहाँ भी अच्छा आता है तो यहाँ से भी खूब सारा मिल जाता है तो वही मैं रखती हूँ, तभी देख रही हूँ कौन सा चूड़ी मुझे पहनना है। चूड़ी तो मैंने चेंज कर लिया है, उसके बाद यही सामान जो पास में रहता है वही देखना शुरू मैंने कर दिया, क्योंकि ये राजस्थानी ड्रेस के साथ पहनाना होता है, ये सिर पर लगाने का होता है, रखड़ी बोलते हैं इसे,
तो मैंने पहना तो एक बार है, जो मुझे अच्छे से नहीं पहनना आता है, क्योंकि अपने आप में नहीं होता है, कोई करने वाला हो तो हो जाता है, मेरे पास ऐसा कोई है नहीं जो मेरा ये कर सके। तो अभी मैं देख रही हूँ कि कैसे ये सही होता है कैसे नहीं होता है, हालांकि ले के आई हूँ, वैसा वैसा रखा हुआ है, देखने में तो अच्छा लगता है, लगाने के बाद ड्रेस के साथ पहनूँ तो अच्छा तो लगता है, पर आजकल तो मुझे मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं ड्रेस भी पहनूँ, क्योंकि यहाँ ऐसा ड्रेस कोई नहीं पहनता है, मैं अकेले पहनूँ तो अच्छा नहीं लगता है। राजस्थान में तो घर में भी पहन सकते हैं या फिर कहीं जाओ आओ त्यौहार बार में भी पहना जाता है, तो सबके साथ में पहनते हैं तो अच्छा भी लगता है, यहाँ मैं अकेले पहनती हूँ तो मुझसे मतलब अपने आप में अजीब लगता है। फिर एक है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, साड़ी पहनने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, वो पहनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए भी मैं नहीं पहनती हूँ। हालांकि जो ड्रेस है और ये दोनों मैं साथ लेके आई थी, जैसे लेके वैसा वैसा रखा, एक एक बार शायद मैंने ड्रेस को पहना होगा, अब देखूँगी आगे त्यौहार बार में होली में पहनूँगी। पहनने के बाद काम करने में भी समझ में नहीं आता है, आदत नहीं है मुझे पहनने का, तो फिर काम भी नहीं हो पाता है, कुछ भी रहो काम तो घर का रहता ही है, ऐसा तो है नहीं कि पहन के केवल बैठना है, तब तो कोई बात नहीं है, पर घर में जब पहनते हैं तो काम रहता है। आज ये वाला सूट भी मेरा नया है, तो एक दिन मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको पहना था, जब मंदिर हम गए थे तो उस दिन मैंने पहना था, तो इसको धोया नहीं, ऐसे कैसे रखा हुआ था, तो आज मैंने घर में इसको पहन लिया, उसके बाद धो के इसको अंदर रख दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शौक रहता है नया कपड़ा पहनने का, तो मैं घर में पहन लेती हूँ। हालांकि ये तो बिना धो के रखा हुआ था, अभी धो के इसको अंदर रख दूँगी। फिर उसके पापा आ गए हैं तो उनको मैं चूड़ी दिखा रही हूँ, जो नया ने मुझे चूड़ी दिया था वो रखे रखे में टेढ़ा हो रहा है, गर्मी ज़्यादा रहता तो टेढ़ा हो भी जाता है। इसके बाद ये शाम का समय है, पीयूष लक्की खा रहे हैं गोलगप्पा, दोनों लेके आए हैं, हालांकि अकेले नहीं खाते, पीयूष लक्की का हमेशा से आदत है, तो कोई भी चीज़ है पीयूष लक्की अपना अकेले नहीं खाते हैं, मम्मी पापा को दे के ही खाते हैं, तो यहाँ प्लेट में दोनों ने लगा लिया है। मैं बोल रही थी कि बाहर दोनों खा के आ जाते, पर नहीं, बाहर अकेले नहीं खाना है, तभी ले के आए हैं दोनों। मुझे भी पूछ रहे थे मम्मी तेरे लिए भी लेके आना है, पर मेरा जब खाने का मन होता तभी मैं मंगवाती हूँ, हालांकि मैं गोलगप्पा कम खाती हूँ, सूखा इसका जो पापड़ी आता है वही ज़्यादातर खाती हूँ। यहाँ देखिए पीयूष पहले मम्मी को खिलाएगा, आप सब भी आइए खा लीजिए, वैसे तो गोलगप्पा सबको पसंद होता है, किसका फेवरेट नहीं। अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, मैं बहुत देर से सोच रही हूँ आप सबसे बात करने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने वीडियो दोपहर तक शूट किया था, उसके बाद कोई शूट नहीं किया है, डीजे इतना ज़्यादा आ रहा है, अभी तुरंत यहाँ से डीजे गया है, मैं अकेले बैठी हूँ, मन नहीं लग रहा है, शाम के समय आजकल मन नहीं लगता है, शाम में 5 बजे से 7 बजे के बीच में मन लगता है कि कहाँ चले जाए, हालांकि शाम के समय ज़्यादातर हम घूमने के लिए चले जाते हैं, आज संडे था तो आज कहीं नहीं गए हैं, पीयूष लगे तो अभी ट्यूशन चला के आज लेट से गया है, क्योंकि वैसे तो संडे को छुट्टी होता है, पर अभी एग्ज़ाम है, मतलब कि एग्ज़ाम शुरू होगा तभी संडे का छुट्टी नहीं है, अभी दोनों ट्यूशन के लिए चला गया है, वैसे तो रुचि हमेशा आती है, आज पीयूष लक्की को बुला लिए तो पीयूष लक्की चले गए हैं, तो मैं अकेले घर में बैठी हूँ, हालांकि इतना देर तो मेरे पास बुन्नू बैठी हुई थी, जहाँ मैंने ट्राईपोड लगाया तो वो इससे मतलब कि छेड़छाड़ कर रही थी, ट्राईपोड हिल के मेरा फ़ोन गिर जाता है, ऐसे मेरा ट्राईपोड टूटा हुआ है, जब वीडियो शूट करती हूँ यूज़ करती हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे नया मंगवाना है, ऐसे मैं भूल जाती हूँ, अभी थोड़ा सा दिमाग में है कि हाँ मुझे मंगवाना है, फिर दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ से जहाँ फ़ोन लगाती हूँ वहीं से टूटा हुआ है, टूटे हुए बहुत दिन हो गया, मेरा फ़ोन भी बहुत ज़्यादा गिरता है, ट्राईपोड भी उतना ही गिरता है, बहुत दिन में कम से कम कितना बार गिरता है कोई अतः पता नहीं रहता है, मेरा नया फ़ोन का स्क्रीन भी पूरा ऐसे टूटा हुआ है, कोई बोल नहीं सकता कि ये फ़ोन नया है, क्या पता मेरे साथ ही है कि सबके साथ ऐसा ही होता होगा, मतलब कि किसी को होता है कि सामान का बहुत ज़्यादा केयर करना, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ोन गिरता है, वीडियो शूट करने में नहीं, ऐसे भी मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा गिरता है, पुराना वाला फ़ोन है जो आपको दिखाऊँ तो एकदम चूर चूर है, फिर भी वो चल रहा है, चलता है, केवल उसका ऊपर से स्क्रीन टूटा हुआ है और चलने में ठीक है, चलता है, वीडियो शूट नहीं हो सकता, उसका आगे का कैमरा के आगे से टूटा हुआ है, इसीलिए मुझे ये वाला फ़ोन लेना पड़ा, इसका भी यही हालत है, बहुत बार चेंज भी करवाती हूँ फिर वैसा ही हो जाता है, इसलिए फिर छोड़ देती हूँ, जाने दीजिए, कुछ नहीं है, अभी 7:30 बज गया, मेरा खाने का कोई तैयारी नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत है सब्जी क्या बनेगा, रोज़ मैं इस समय सबसे पूछती हूँ, जिसका फ़ोन आ गया उनसे भी पूछती हूँ क्या सब्ज़ी बनेगा, या फिर रुचि आती है उससे भी पूछती हूँ क्या सब्ज़ी बनेगा क्या बनाऊँ, मतलब आइडिया लेते रहती हूँ, हाँ मेरा आइडिया कभी कभी काम भी आ जाता है, वो तो आइडिया लेती हूँ तो काम भी आ जाता है, आज तो मैंने किसी से भी, हाँ भाभी से भी बात कर रही थी मैम, बहुत देर तक बात किया है, तो भाभी से मैंने पूछा है तो मुझे अभी तक तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या बनाऊँ मैं, रोज़ का भाई आलू गोभी, गोभी तो वैसे मेरे यहाँ बने हुए हैं, बहुत दिन हो गया है, खाने का मन भी नहीं करता है, तो अभी क्या सब्ज़ी बनाऊँ, खाने का तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, तो यह अनार रखा हुआ है, ये अनार आए हुए हो गया 1 हफ्ता से ज़्यादा, तो ये ख़राब हो रहा रखे रखे, तो फिर उसके पापा बोले खाने का तुम छोड़ दो बाद में देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं, अनार काट लो तो फ्रूट चाट बना के वही खा लेंगे, क्योंकि ऐसे तो खाया नहीं जाता है, अब मुझे तो ये काटना भी मुश्किल लगता है, खाना भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है,
बहुत कम है जो मैं खाती हूँ। अभी पीयूष के पापा ने बोल दिया है तो मैं काट भी रही हूँ। पीयूष लकी भी ट्यूशन से आ गए हैं तो वो दोनों भी खा लेंगे। अमरूद भी रखा हुआ है, अनार भी रखा हुआ है, तो वो छील दूंगी, क्योंकि सुबह सुबह ये सब करने का टाइम नहीं मिलता है। सुबह सुबह मैं नहीं कर पाती हूँ। सुबह अगर स्कूल के लिए देव तो मेरे यहाँ पीयूष लकी खाते नहीं है। पीयूष लकी को घर में तो फिर भी खा लेते हैं, अपने से छील के भी खा लेंगे, पर स्कूल में ये सब नहीं लेके जाते हैं। फ्रूट तो बिल्कुल नहीं लेके जाते हैं, तो सुबह सुबह फिर काटने का ही नहीं रहता है, ज़्यादातर शाम में होता है। पीयूष लकी का अपना मन होता तो वो अपना छील के खा भी लेते हैं, ज़रूरी नहीं मैं छील कर दूंगी तभी खाएंगे। मेरा ही नहीं होता जो मैं छीलूँ। पीयूष के पापा को कभी मन होता तो मैं छील के दे देती हूँ। हाँ, अगर इसी की जगह अंगूर रखा रहता है तो फिर भी घूमते फिरते सब कोई खा लेते हैं, पर अनार है जो 1 हफ्ता हो गया इसको आए हुए तो रखा हुआ है, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। पहले तो मुझे ये छीलना भी मुश्किल लगता था, पर एक दिन आंटी जी बता रही थी कि ऐसे ऐसे करके छील लिया करो तो बहुत जल्दी हो भी जाएगा। हालांकि बहुत अच्छे से छिला भी गया, बहुत जल्दी छिल भी गया है, ऊपर से थोड़ा सा मैंने चाकू से काट लिया तो अच्छे से हो भी गया है। इसके बाद भी उसके पापा इसमें डाले हैं चाट मसाला, और मैंने इसमें अमरूद डाल दिया है, थोड़ा सा सेव डाला है, क्योंकि सेव मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, अमरूद अच्छा लगता है, तो अमरूद मैंने एक बड़ा सा अमरूद करके डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया। आप सब ये खा लीजिए, इसके बाद इससे भी मिल लीजिए गुन्नू से, ये अपने बैठी हुई है। केक पीयूष लगी फिर से चले गए अपने चाचा जी के पास, अकेले रहती है तो ऐसे ही बैठे रहती है, वो दोनों रहते हैं तो दोनों के साथ खेलती रहती है। तो इस वीडियो का भी एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।